में कांग्रेस कार्यालय में शंकर शाह, रघुनाथ शाह बलिदान दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में पीसीसी चीफ कमलनाथ ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस छोड़कर जा रहे नेताओं को लेकर कहा है कि कोई यदि कांग्रेस छोड़कर जाता है तो कांग्रेस खत्म नहीं हो जाएगी, कोई भी अगर जाना चाहता है तो हम किसी को रोकेंगे नहीं, जो लोग बीजेपी में अपना भविष्य देखकर जाना चाहते हैं तो जाएं, मैं उन्हें अपनी कार दूंगा कि जाइए, मैं किसी की खुशामद में विश्वास नहीं रखता। जो लोग कांग्रेस में काम कर रहे हैं, पार्टी के प्रति अपनी निष्ठा से काम कर रहे हैं, वही अरुणोदय चौबे के कांग्रेस छोड़ने पर बोले, उन्हें तो हमने 3-4 महीने पहले ही निष्कासित कर दिया था। पंचायत और नगरीय निकाय के चुनाव में वे कांग्रेस विरोधी काम कर रहे थे, वे अपने आप को बचाना चाह रहे थे। उसके ऊपर उन्होंने जवाब दिया है कि उन्होंने मुझे खुद फोन करके बताया कि अमृतसर पर कई केस लगे हुए हैं, 307 से लेकर 302 तक के मामले दर्ज हुए हैं। पहले फर्जी केस लगाओ, फिर भाजपा में शामिल करने पर प्रेशर बनाओ, यही बीजेपी की रणनीति है। इसके साथ प्रदेश सरकार पर हमला करते हुए कमलनाथ ने कहा है कि आज सरकार का फोकस आदिवासी समाज को बांटने पर है, भील भिलाला गोंड कोरकू को बांटने में लगे हुए हैं, जिससे हमेशा एक रहने वाला आदिवासी समाज बट जाए। इसका ये लक्ष्य है कि इवेंट के बहाने ये आदिवासियों में ऐसा माहौल पैदा कर रहे हैं कि आदिवासी समाज की उपजातियों के संगठन बनाकर उन्हें पैसे प्रलोभन देकर बांटने की कोशिश कर रहे हैं। इनका प्रयास है कि कैसे भी करके आदिवासी समाज बढ़ जाए, देश की समाज को हिंदू के नाम पर, धर्म और जाति के नाम पर बांटने का काम अब शुरू करेंगे, ये इनका प्लान है। देखिए, राष्ट्रपति से जाने से कुछ को होने वाला है, ये एक औपचारिकता पूरी करने की राजनीति हम नहीं करना चाहते। आज सब आदिवासी क्षेत्रों में ये संदेश जाए, और ये संदेश गया है कि आदिवासी विधायक के साथ क्या व्यवहार किया गया, कैसे उसके कपड़े फाड़े, कैसे उसका गला पकड़ा, ये सब आदिवासी समझ रहे हैं, और इसीलिए इनको इस प्रकार की नाटक करने की जरूरत है। ये सम्मेलन करो, ये सम्मेलन मोदी जी भी आए थे आदिवासियों के नाम पर, तो शासकीय सम्मेलन था, कोई आदिवासी सम्मेलन तो था नहीं। जैसे आप ठेकेदार को कहते हो 5,000 कुर्सियां रख दो और तंबू बना दो, उन्हें कह दिया 5,000, कलेक्टर और अधिकारियों को कह दिया 5,000 लोग ले आओ। वो तो बहुत पहले छोड़ दी थी, उनको तो हमने निष्कासित कर दिया था, वो तो 3-4 महीने से ही चल रहा था। जनपद के चुनाव में, हमारे पंचायती चुनाव में उन्होंने कांग्रेस विरोधी बात कर रहे थे, कार्य कर रहे थे, अपने आप को बचाना चाह रहे हैं, उनके ऊपर दबाव है। अब मैं ये तो नहीं कहना चाहता उन्होंने खुद मुझे बात करी फोन पर, कि कोई जाता है कांग्रेस से, आप क्या समझते हैं कांग्रेस खत्म हो गई? अभी तुम पूछ रहे थे कि कोई लोग जाना चाह रहे हैं, मैंने कहा बिल्कुल जाएं, जिसको जाना है जाएं, हम किसी को रोकना नहीं चाहते। अगर वो जाना चाहते हैं, अपना भविष्य सोचते हैं और विचार बीजेपी से मिलते हैं, मैं तो उनको अपनी मोटर दूंगा, जाइए अपने मेरी कार में जाइए। मैं किसी के खुशामद करने में, जो कर रहे हैं अपनी निष्ठा से कर रहे हैं, कोई दबाव से कुछ नहीं करता, अपनी निष्ठा से, कांग्रेस के प्रति अपनी निष्ठा से करता है, और वो करें।